ओम शांति। 23 दिसंबर दुनिया में सभी भक्त भगवान को याद करते हैं, पुकारते भी हैं, आओ सदगति करो, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, दुखों से मुक्त करो। लेकिन दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो भगवान को जानता हो। वो कहाँ है, कैसा है, वो कब आते हैं और क्या करते हैं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं, सर्वव्यापी कह के सारा काम पूरा कर दिया। मैं भारत में आता हूं, इस समय को हम सबको तो पहचान मिल गई है कि चारों युगों के अंत में कल्याणकारी पुरुषोत्तम सुहाना युग होता है। कलयुग के एंड में जब स्वयं कल्याणकारी शिव बाबा इस धरा पर आते हैं सबका कल्याण करने के लिए, रात को दिन बनाने के लिए, कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बनाने के लिए, इसलिए भारत में उसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जयंती भी कहते हो, पर शिव जयंती होती नहीं क्योंकि न वो जन्म लेता न मरता है, आता है, अवतरित होता है, रात्रि में आता है। बाबा कह रहे जरूर 12:01 पे आया होगा। ये रात्रि नहीं, ये बेहद की रात्रि। श्री कृष्ण का भी दिखाते हैं, रात को 12 बजे जन्म लिया, इसलिए रात को ही उसका आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं। अब श्री कृष्ण का वैसा ही फोटो तो कोई बना नहीं सकता, अंदाज से बनाते हैं, मिट्टी का, चित्रों पर, कागज पर। किसी को साक्षात्कार हो तो देखकर चित्र बन सकता है, लेकिन वहां फोटो निकल नहीं सकता। श्री कृष्ण का वैसा ही जन्म, वैसे ही फीचर्स जैसे सतयुग में थे, वो द्वापर में हो नहीं सकते। ये बात लोग नहीं जानते कि श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, वो स्वर्ग था, भारत वहां विश्व का मालिक था। थोड़े से मनुष्य थे, थोड़े देवी देवता 9-10 लाख, अपार सुख शांति थी। तुम योग बल से वो विश्व की राजाई प्राप्त करते हो, बाहुबल से कोई भी विश्व की राजाई प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए तुम्हें पवित्र बनना होता है। देखो मीरा का गायन क्यों है, मीरा को साक्षात्कार होते थे, इतना प्यार था, जैसे याद करती थी सामने दिखने लगता था, क्योंकि पवित्र थी। उसने पवित्रता को पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मान लिया था ना मेरा तो प्रियतम एक ही है श्री कृष्ण, तो पवित्र बन गई। तो पवित्रता कारण उसका इतना मान है भक्ति में, डांस करती थी। तुम बच्चों ने भी शुरू में बहुत साक्षात्कार किए श्री कृष्ण के, किए महाविनाश के, किए बहुतों को साक्षात्कार हुए। गीता में भी साक्षात्कार की चर्चा है, विनाश की चर्चा है उस साक्षात्कार में, कि अर्जुन ने देखा कि महाकाल के मुंह में सारे समाते जा रहे हैं और भगवान की वाणी सुनाई दी, मैं महाकाल बनकर आया हूं सबको ले जाने के लिए, तुम इनको मारो या न मारो मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे और सब चलेंगे अपने धाम। तो बाबा याद दिलाते हैं तुम आत्माएं अविनाशी एक्टर हो, तुम अविनाशी हो, ये ड्रामा विश्व का, चारों युगों का ड्रामा, ये भी अविनाशी है, तुम परम धाम में थे, पाठ बजाने के लिए संसार में आए हो, फिर तुम्हें पावन बनकर घर जाना है। इसी बात को लोग नहीं जानते, कहते तो हैं पतित पावन आओ पावन बनाओ, पर मैं पतित हूं ये नहीं समझते। ये कांटों का जंगल बन गया है संसार, और सबसे बड़ा कांटा है ही काम विकार। इस काम विकार के कारण ये संसार कांटों का जंगल, दुखों की दुनिया बन गई है। अब हम देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से काम वासना बहुत बढ़ी है, दुख, टेंशन, कोर्ट केस, परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा पाप ये काम विकार कराता है। बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, ये तो दुखों की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है, पुण्य आत्माएं तो तुम हो,
सतयुग में तुम देवी देवता थे, पुण्य आत्मा थे, बाबा इशारा देते बच्चे, अब पुण्य आत्माओं की दुनिया आने वाली है। देवी देवताओं का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था इस भारत में, देवी देवता थे, ये भारत देव भूमि था, याद दिलाते रहते रोज, तुम ऐसे महान देवता थे, मैं तुमको फिर से पुण्य आत्मा बनाने के लिए आ गया हूँ, तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं करना है। देखिए ये बात हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें इशारा देता हूँ, अब ये दुनिया जाने वाली है, महाभारत लड़ाई सामने दिखाई दे रही है, अब ये खेल समाप्त होगा, तुम सभी आत्माएं पावन बनकर अपने घर वापिस चली जाएंगी, तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, इस पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है, स्वयं भगवान पढ़ाने आया है, तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान ले रहे हो, तो तुम्हें पढ़ाई पढ़कर उच्च पद प्राप्त करना है। तुम जन्म जन्म शास्त्र पढ़ते आए, शास्त्रों में थोड़ी गलत बातें भी लिख दी कि देवता थे तो असुर भी थे, असुर और देवताओं की लड़ाई हुई, असुरों ने सारा राज ले लिया, इन सब बातों से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। अब मैं आया हूं, तुम्हें कह रहा हूं, इन साधुओं का भी उद्धार मुझे करना होता है, ये साधु संत किसी को गति सदगति नहीं दे सकते हैं, वो काम केवल मेरा है, भक्ति से भी किसी को मुक्ति या गति सदगति मिलती नहीं है, कोई भी आत्मा पावन बनकर घर वापिस नहीं जा सकती है, जब मैं आऊं सबको घर जाने की राह दिखाऊं, सबको पावन बनाऊं, तभी सब आत्माएं घर जाती हैं, तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है पावन बनने का, ताकि हमारे सभी विकर्म नष्ट हो जाएं, विकर्म नष्ट होंगे तभी सहज भाव से हम अपने घर परम धाम वापिस जा सकेंगे, विकर्म रह गए तो कष्ट भोग कर फिर वापिस घर जाना होगा। वरदान है मर जीवा बनकर हिम्मत और उल्लास में रहने वाले सब प्राप्ति संपन्न भव। दुनिया में हम देखते हैं जिसके पास बहुत प्राप्तियां होती हैं, संपन्नता होती है, उसमें बहुत हिम्मत रहती है, बड़ी उमंग उत्साह रहती है। बाबा हमें भी याद दिलाते हैं मर जीवा बनो, जो पास्ट की बातें हैं, पास्ट के बुरे संस्कार हैं, विकारों के संस्कार हैं या और कोई गलत चीज है, उसको भूल जाओ, उसको समाप्त करो, तो नई हिम्मत और उमंग उत्साह में रहेंगे और तब संगम युग पर बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो सकेगा। स्लोगन है मेले और झमेलों में, भिन्न भिन्न तरह के झमेले जीवन में आते हैं, जो डबल लाइट रहते हैं वही धारणा स्वरूप हैं। आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, आत्मा लाइट चमक रही है, लाइट का शरीर है, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, चारों ओरा बन गया, आभा मंडल बन गया है और ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आठ बार बहुत अच्छी तरह गुड फीलिंग के साथ ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.